नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे SMPS पावर सप्लाई के PWM कंट्रोलिंग के बारे में समझेंगे। और इस IC का, जैसे कि हम पहले आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता चुके हैं, इसके पहले जो हम वीडियो अपलोड किए थे उसमें बता चुके हैं कि इसमें जो है इसका यहाँ पे जिस प्रकार से डिज़ाइन किया था, ये प्राइमरी में इसके ये जो सेकेंडरी का सेंसिंग होता है यानी ऑप्टो कपलर के द्वारा 817 से, वो उसमें नहीं किया गया था, यानी इसको सेपरेट रखा गया था। अब आपको नेक्स्ट इसके बाद, अब ये जो टॉपिक है ये आपका ऑप्टो कपलर से रिलेटेड है, क्योंकि सेकेंडरी में मिलने वाले वोल्टेज यानी SMPS के सेकेंडरी बाइंडिंग में मिलने वाले जो भी वोल्टेज हैं उसको सेंस करा के फिर दोबारा जो है फीडबैक के रूप में इसके प्राइमरी सेक्शन में इसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन के द्वारा ये पिन नंबर 1 पे कंपरेटर के इस पिन नंबर 1 पे जो है इसका इंफॉर्मेशन दे के और इसके पल्स को कंट्रोल किया जाता है, जो कि पिन नंबर 6 से आउट होने वाले पल्स हैं। दूसरा यहाँ पे पिन नंबर 2 पे भी इसको सेंस करा सकते हैं। वो जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ेगा उसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन अब यहाँ पर देख लें, जैसे ये है हमारा 817, ये पिन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4। इस पिन नंबर 4 को हम यहाँ पर सीधे जो है पिन नंबर 1 से इसे कनेक्ट करेंगे। ऐसे एक ये तरीका हो गया कि यहाँ से इसकी सेंसिंग इस फीडबैक की यानी सेकेंडरी की आप यहाँ पे भी करा सकते हैं, यहाँ पे भी करा सकते हैं, वो सर्किट डिज़ाइन के ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे हमारी टॉपिक बढ़ेगी आगे हम आपको बताएंगे। अब यहाँ इसमें जो इसकी खासियत है इस IC की, इसमें देखिए आपका यहाँ पे करंट एरर, वोल्टेज एरर यानी फीडबैक के रूप में, फ्रिक्वेंसी, ये तीन चीज़ जो है आपका यहाँ पे कंट्रोल मैनुअली भी कर सकते हैं और इसे अपने डिज़ाइन से फिक्स भी कर सकते हैं। यानी मैनुअली का मतलब जैसे प्रीसेट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपना एक फिक्स डिज़ाइन भी बना सकते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि अगर आपके पास कोई सर्किट डिज़ाइन करना है तो एक तो ऑप्शन है कि या तो आपको इस सर्किट के कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए कि जैसे ये रेजिस्टेंस हमारा ग्राउंड है या वोल्टेज डिवाइडर अगर सर्किट बनाया गया है तो यहाँ पे कितने मान के रेजिस्टेंस होने चाहिए, यहाँ पे कितना जो है वैल्यू का रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब ये फिक्स होगा यानी मैनुअली प्रीसेट हटेगा। अगर आपके पास कैलकुलेशन का नॉलेज नहीं है तो आप किसी DSO ऑसिलोस्कोप के मदद से भी फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर देख के और उसके आप फिक्स जो है वो जितना वैल्यू का यहाँ पे प्रीसेट के द्वारा मैनुअली आप उसे रीड करके और उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। वो हम आपको ये नेक्स्ट टॉपिक है बताएंगे, जिसे उसे जैसे मान लीजिए आपको नॉलेज नहीं है या आपके पास सुविधा नहीं है तो उसे आप अपने अनुसार कैसे करना है यानी इसके डिज़ाइन को, वो भी हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले इसको समझें कि जैसे हमारा करंट सेंसिंग, वोल्टेज सेंसिंग और इसमें प्रोटेक्शन, तो ये सब चीज़ों के बारे में IC के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रोल है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया एरर, ये हो गया फ्रिक्वेंसी कंट्रोलिंग का, यहाँ पे ये हो गया एरर यानी जो फीडबैक पे जा रहा है, और ये हो गया फ्रिक्वेंसी जो कि RT और CT पॉइंट पे जाएगा। अब इसमें देखिए बचता है करंट सेंसिंग। अब करंट सेंसिंग क्या है कि यहाँ से करंट सेंस हो रहा है, लेकिन अगर मैनुअली आपको सेंस करना है, अभी ये सर्किट डिज़ाइन नहीं, अभी इसके काम करने का बताते हैं। अब देखिए ये जो काम यहाँ पे हो रहा है MOSFET के सोर्स से, तो ये काम आप जो है यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक प्रीसेट लगाएंगे, ये रेफरेंस वोल्टेज से लिया जाएगा और इस प्रीसेट को ऐसे यहाँ पे, अब ये 5 वोल्ट का जो रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है यानी जो यहाँ पे भी जा रहा है, तो यहीं से रेफरेंस वोल्टेज लेके आप यहाँ पे इस प्रीसेट के द्वारा इसके करंट को अपने मैनुअली सेंस भी कर सकते हैं और सेंस करा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये हुआ एक मैनुअली तरीका।
और एक फिक्स है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सेंस हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए इसकी जो करंट सेंस का लाइन है, ये जैसे सोर्स है, अब ये क्या है, ये यहाँ पे ये ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब जैसे ये है, ये प्राइमरी का जो मेन कैपेसिटर होता है जहाँ से वो ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड सब कामन है, ये सब ये ग्राउंड कामन है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा के जो सोर्स पे जा रहा है, अब ये क्या होगा कि ये पॉइंट यहाँ से ऐसे मॉस्फेट के सोर्स से ये जुड़ेगा। अब जब मॉस्फेट अपने वर्किंग मोड में होगा, यानी जब फंक्शन करेगा स्विचिंग, तो उस समय क्या होगा कि जो लोड पड़ेगा, तो लोड पड़ने पे जो यहाँ पे एक वोल्टेज जो कि हमारा एक मान लीजिए कि किसी चीज़ को सेंस कराने के लिए जैसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है, तो ऐसे यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक वोल्ट से हमारा सेंस होता है, तो उसमें कोई भी कम या ज़्यादा वोल्टेज जैसे होंगे वैसे इसकी सूचना यहाँ पे मिलेगी, जिसके इंटरनल इससे निकलने वाले जो पल्स हैं पिन नंबर 6 से, उसको कंट्रोल करके इसको कांस्टेंट हमेशा बनाए रखता है, यानी इसके जो ड्यूटी साइकिल है उसको स्थिर रखता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ड्यूटी साइकिल यानी पल्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसे हम बूस्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसमें इस टॉपिक में नहीं, अभी आप थोड़ा थोड़ा समझिए, फिर आप खुद कितना कुछ जानेंगे आपको खुद मालूम होगा आगे। देखिए कोई पल्स अगर आउट होता है तो उसका जो शेप है पहले उसे समझें, यानी जो उसका ग्राफ है, ग्राफ में क्या है कि मान लीजिए ये गेट से ये पल्स आउट हो रहा है, आप थोड़ी देर के लिए इसे समझें, ये गेट एरिया है। अब इसमें जो यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरीके से ये जो आकार बना, यानी जो ग्राफ बना, ये आपको ये लगता होगा कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे किसी स्विच को ऑन करते हैं, यानी किसी को जलाते बुझाते हैं, तो एक बार ऑन किए, तो जिस समय ऑन किए और फिर ऑफ कर दिए, तो जब ऑन किए तो उस समय क्या हुआ कि ये तुरंत ये जो है यहाँ पे उठा, तो ये हुआ ऑन कंडीशन, जितना देर आप वोल्टेज दिए और जितने देर में आप वहाँ तक रुके, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ऐसे ऑन किए और फिर रुके हैं, फिर ऑफ कर दिए, फिर एक जल्दी से ऑन किए, जल्दी से रुके, फिर आप कर दिए, तो ये क्या हुआ कि जब आप ऑन किए तो ये उठा, यानी जैसे किसी चीज़ को हमको एक ही सप्लाई है, ये ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है और ये एमिटर है, ये बेस है। अब बेस पे हम कोई मान लीजिए किसी सेल से ये सेल से इसको एक बार टच करते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर टच करते हैं, फिर हटा लेते हैं, तो ये हटाने और टच करने का जो फार्मूला है ये ऐसे इस चीज़ को दर्शाता है, यानी ये जो ग्राफ बनती है कि जब आपने एक बार टच किया तो यहाँ पे ये वोल्टेज उठा, यानी इसको आप टच कर रहे हैं, अब कितना देर तक आप टच किए हैं ये यहाँ से यहाँ तक बताता है, फिर आपने हटा लिया तो हटाने का यहाँ तुरंत आ गया, अब इतना इतना टाइम तक आपने उसे टच किया, यानी इतना देर तक ये हमारा ऑन रहा, अब फिर आप रुके रहे
फिर थोड़ी देर बाद यानी जितने देर बाद आप ऑन करेंगे ये इतना ये स्पेस होगा। नेक्स्ट आपको आगे बताते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।